गोरखपुर के गोरखनाथ पुलिस ने शहर में सक्रिय चोरों के शातिर गैंग का खुलासा किया। गिरफ्त में आए शातिर बदमाश शहर में मोबाइल चोरी और वाहन चोरी की घटना में लिप्त थे। वहीं गिरफ्त में आए 5 बदमाशों में 2 बाल अपचारी हैं। बदमाशों के पास से पुलिस ने चोरी की 5 मोबाइल और 2 वाहन बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच और गोरखनाथ पुलिस ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र के स्प्रिंगर तिराहे के पास से शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि शहर में मोबाइल और बाइक की चोरी की घटना को ध्यान में रखते हुए बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई थी। गोरखनाथ पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए बदमाशों में 2 बाल अपचारी हैं, जबकि इनके पास से चोरी की 2 बाइक और 5 मोबाइल फोन बरामद किए। एसपी सिटी ने उम्मीद जताई कि शातिर बदमाशों की गिरफ्तारी से शहर में चोरी की घटना पर अंकुश लगेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, तो 68-70 पड़ा है। अभी एक छोटा सा आसपास के जनपद आज चलाया जा रहा है, तो मल्टी स्पेशलिटी है, तो मैं जा के एक बार पता करने का प्रयास करें। कल मीटिंग में बात उठाई थी, तो सभी सदस्य मौके आए थे। कल आयु और क्राइम दोनों की ब्रांच लगी और स्थापना बाल वालों को मत फोटवाए, अभी उनका ना फोटवाए, बाल अपराधी उनको गाड़ी बिठा दो। कपड़ा लगाया नहीं, डीजी साहब, आईजी साहब के मार्गदर्शन में तथा कप्तान साहब के निर्देशानुसार हर थाने लगन के और क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं कि जो भी मोबाइल के इसी क्रम में एसपी क्राइम साहब और सीओ क्राइम साहब की अध्यक्षता में एक टीम मोबाइल चोरों के ऊपर कार्रवाई करने हेतु लगाई गई थी। उस टीम को 2 तारीख को एक सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और साथ में 2 अभियुक्त और गिरफ्तार किए गए जो बाल अपराधी हैं। 5 मोबाइल मिले जो कि अलग अलग घटनाओं से संबंधित हैं, उन्हें भी लिंक किया जा रहा है और साथ में उनसे 2 मोटरसाइकिल भी प्राप्त हुए हैं। अभी जांच कर रहे हैं, अगर किसी और अपराध से लिंक होगा तो उसको भी भेजा जाएगा।